ये जो बड़बाव स्कूल के अंदर जो अस्थाई आश्रय स्थल बनाया गया है, इसके अंदर जो अंदर कोर्ट के अंदर जो ख्वाजा साहब के उर्स के अंदर जो विभिन्न प्रांतों के जो मलंग लोग आते हैं वो इसके अंदर उनको यहाँ ठहराया गया है। ये यहाँ उर्स में आके फिर सरवाट शरीफ जाते हैं, उसके बाद फिर ये दिल्ली या अपने अपने प्रांतों को निकल जाते हैं। पर चूँकि इस बार लॉकडाउन हो गया था तो उस वजह से ये अंदर कोर्ट में यही रह विभिन्न स्थानों पर रह रहे थे, अलग अलग जगहों पर। तो इनको 16 तारीख को सबको इनको इकट्ठा करके यहाँ पे एक अस्थाई आश्रम बनाया गया है इस बड़बाव स्कूल के अंदर, और यहाँ इनको सबको रखा गया है। और जिनकी 16 तारीख को ये आए थे, जब से हम इनकी नियमित रूप से डेली थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं और इनकी जांच कर रहे हैं, कोई कोरोना की कोई लक्षण तो नहीं है इनमें, और आज तक अभी तक तो नियमित जाँच के अंदर अभी तक सभी लोग स्वस्थ हैं, किसी में कोई इस तरह के लक्षण नहीं है। किस तरह और से इसकी सर जांच होती है? जांच तो ये थर्मल स्क्रीनिंग हम डेली करते हैं इनकी सबकी, और वैसे इनसे पूछते भी हैं किसी को अगर खांसी जुकाम वगैरह कुछ है तो, और बुखार के लिए हम थर्मल स्क्रीनिंग पता लगाते हैं अगर। तो फिलहाल ये 42 जने ठहरे हुए हैं और अभी आज तक तो सब ठीक है, और नियमित रूप से हम इनकी जाँच कर रहे हैं। सर, कोरोना की जाँच किस तरीके से होती है? कोरोना की जांच तो लैब टेस्ट ही कंफर्मेटरी होता है, विश्वसनीय होता है इससे। तो थर्मल स्क्रीनिंग से तो हम सिर्फ उनका एक सस्पेक्ट का पता लगा सकते हैं, अगर किसी को बुखार अगर आ गया है और साथ में उसके खांसी भी है, सांस में तकलीफ है, तो फिर उसको हम तुरंत उसकी कोरोना के लिए जांच करवाते हैं। तो मैं डॉक्टर अजय महावर, अंदर कोट डिस्पेंसरी।